हूँ राजेश है और मैं आज एक बार फिर से एक नई इमारत, नई हवेली दिखाने के लिए आपको लेके आया हूँ। और आप देख कर रोमांचित हो जाएंगे कि इस तरीके की हवेली आज भी दिखती है, वरना बहुत सी हवेलियाँ ऐसी हो चुकी हैं, या तो वो टूट चुकी हैं या उनकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं बचा है। और आप ये हवेली या एक मंदिर कह लें, यहाँ पर पहले राधा कृष्ण जी की मूर्तियाँ रखी हुई थी और ये बहुत तकरीबन तीन से चार साल पुरानी ये हवेली है। और यहाँ पर सामने ही गंगा का घाट है, यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आते थे। और ये किसी राजस्थान के राजा ने बनवाई थी जब वो यहाँ पर स्नान करने के लिए आते थे। और बिल्कुल जब सामने आप देखेंगे वहाँ पर राधा कृष्ण जी का मंदिर था और वहाँ पर मूर्तियाँ रखी थी पहले, लेकिन अभी वो मूर्तियाँ नहीं हैं क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ज़बरदस्ती चढ़ाया करते थे, खंडित कर दी थी मूर्तियाँ। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि आज भी इस हवेली के अंदर कुछ चित्रकारियाँ ऐसी हैं कि बिल्कुल ऐसी लगती है कि जैसे कल ही उन्होंने की है। आप सामने देखेंगे तो ये सामने देखिए, ये झूले पर एक भगवान है और सामने माता बैठी हुई। और ये देखिए आप देख सकते हैं, और जो लोग यहाँ पर गंगा जी में स्नान करने के लिए आते थे वो लोग अपने नाम और देश यहाँ पर लिख दिया करते थे। ये देखिए जो भी आते थे वो अपना नाम लिख देते थे, डेट लिख देते थे। और आज भी 100 या 150 साल पुरानी जो डेटें हैं इसके अंदर मौजूद हैं कि हम इस टाइम आए थे और इस टाइम हमने यहाँ पर गंगा जी पर स्नान किया, और उन्होंने अपनी तारीख, नाम, पता, माता पिता का नाम सारा यहाँ पर नोट करके चले जाते थे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये कितनी, आज भी कुछ लोगों ने, मतलब आज कुछ लोगों ने ये थोड़ी सी मतलब बेकार कर दी है, कुछ रंग पेंट कुछ कर दिया है इस पर, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी शानदार ये है कि कोई कह नहीं सकता कि आज के टाइम में अगर कोई चित्रकारी करता है तो वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं 300 साल पुरानी कितनी बढ़िया तरीके से ये पेंटिंग की हुई है। आप देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऊपर देखेंगे क्या अद्भुत नज़ारा है। देखिए, और मैं इधर कहूँगा एक बार, देखिए जैसे आप मथुरा में मंदिरों में जाते होंगे, बहुत से मंदिरों के आगे दो द्वारपाल खड़े होते हैं, ये देख सकते हैं दो द्वारपाल खड़े होते हैं, एक ये द्वारपाल है और एक ये द्वारपाल है। और कृष्ण भगवान के अंदर मूर्तियाँ होती थी, जो लोग अंदर आके यहाँ पर पूजा करते थे, पूजा अर्चना करते थे। पहले ये बहुत भव्य थी लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं है। और देखिए यहाँ पर ये एक बार देखिए कि यहाँ पर संगीत, ये कृष्ण भगवान है दोस्तों, देखिए गौर से देखिए, कृष्ण भगवान है और उन्होंने अपनी कन्नी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों कितना अद्भुत नज़ारा है। देखिए मैं अपने दोस्त से कहूँगा एक बार थोड़ा सा पास आगे दिखाएं कि गोवर्धन पर्वत और कृष्ण भगवान ने कन्नी उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। देखिए दोस्तों क्या बढ़िया ये चित्रकारी की गई है। और देखिए नीचे गाय हैं, गौ माता हैं, जो कि कृष्ण भगवान को मतलब देख रही हैं। और कृष्ण भगवान मतलब एक टाइम पे जब गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान ने अपनी कन्नी उंगली को उठाया था तो पूरा कहते हैं वृंदावन और सारा जो भी वहाँ के आसपास के लोग थे वो गोवर्धन पर्वत के नीचे आके रुक गए थे। मतलब वो कहते हैं कि मतलब कृष्ण भगवान ने उसको गोवर्धन पर्वत को उठा के उसके नीचे लोगों को लेके बचाया था। देखिए कितने बच्चे, और देखिए उस टाइम का कुछ यहाँ पर अब भी लोगों, जब लोग नहाने के लिए यहाँ पर आया करते थे वो आज भी ये लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा पास आके दिखाइए ज़रा, ये देखिए जो कहीं से भी कोई आता था तो वो अपना नाम, डेट वगैरह सब यहाँ पर लिख के जाता था। ये देख सकते हैं दोस्तों, और ऊपर देखिए ऊपर की क्या कलाकारी, ऊपर मोर की चित्रकारी है। और देखिए कुछ लोगों ने इस मंदिर को मंदिर नहीं समझा, अगर सरकार हमारी इस पर ध्यान देती तो ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता था, लेकिन लोगों में अब वो चीज़ बची नहीं है।
और लेकिन आज भी देख सकते हैं आप कि अगर थोड़ी सी इसकी रिनोवेशन हो जाए तो ये बहुत अच्छा निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ लग जाए, इतनी अद्भुत हवेली है ये दोस्तों। आप इधर देखिए ऊपर की तरफ हम अभी आपको भी दिखा देंगे आपका ऊपर की तरफ, और देखिए वहाँ पर भी। और इस हवेली की दीवारें आज भी इतनी मजबूत हैं कि कोई आसानी से उनको तोड़ नहीं सकता, आसानी से कोई तोड़ नहीं सकता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना अद्भुत ये जगह है। जब 300-400 साल पहले यहाँ पर लोग नहाने आते होंगे तो उनको और देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये आप जब हम मथुरा जाते हैं तो गोवर्धन पर्वत की हम परिक्रमा करते हैं, तो देखिए बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है कि आप जब कृष्ण भगवान के यहाँ पर दर्शन करते हैं तो आप उनकी परिक्रमा भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। ये पूरा परिक्रमा का ही स्थान है कि मंदिर के चारों तरफ आप परिक्रमा कर सकते हैं। हम आज अपने सौभाग्य समझते हैं अपने आपको कि हम आज इस मंदिर में आए हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था यहाँ पे आने का, लेकिन फाइनली मुझे भगवान ने कहें तो अपने दर्शन देने के लिए बुला ही लिया। और मैं उनकी मूर्ति के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर कृष्ण भगवान स्वयं एक चित्रकारी के अंदर मौजूद हैं, तो कितना अद्भुत नज़ारा है। मेरा दिल बहुत खुश है आज, आपको बयान नहीं कर सकता। अब देखिए ये हवेली ऊपर से देखिए कितनी बड़ी बड़ी पिलर, मतलब जो छत है वो रेड स्टोन से बनी हुई है और आज भी पूरी मजबूती के साथ यूं की त्यों खड़ी है, देख सकते हैं। और चारों तरफ इतनी बढ़िया नक्काशी, मतलब ऊपर देखिए ऊपर मोर की चित्रकारी है ऊपर, और देखिए कितना बढ़िया पेंट होगा उस टाइम का जो आज तक खत्म नहीं हुआ, या फेल कह लें उसको, फेल नहीं हुआ, इतना अद्भुत नज़ारा है। और थोड़ा सा मैं छत टूटी हुई है इसकी। और देखिए दोस्तों इधर ये देख सकते हैं ये इन दरवाजों पे आज भी पूरी, देखिए वो देखिए सामने बिल्कुल जैसे कि तैसी पेंटिंग है, इन पे पानी नहीं गिरा है और पेंटिंग पूरी वैसी की वैसी है जो उस टाइम के लोगों ने बनाई थी ये। और इधर देखिए इसकी छत गिर चुकी है, देख सकते हैं इसकी छत गिर चुकी है क्योंकि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई इसकी केयर करने वाला नहीं है। इतनी अच्छी हवेली कृष्ण भगवान की किसी उनके भक्त ने ये बनवाई थी अपनी पूरी श्रद्धा भाव से, लेकिन अभी पूरी तहस नहस होती है। धीरे धीरे करके इसका पार्ट धीरे धीरे इसके मतलब जो दीवारें हैं या ऊपर की छतें हैं वो गिरती जा रही हैं। मेरी सबसे एक ही अपील है कि अगर कोई सरकारी महकमे का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस हवेली को दोबारा से रिनोवेट करवाए और दोबारा से इसको
पहले की। अरे वाह क्या बात है। ये मंदिर की छत है, यहाँ से पूरा नज़ारा, इतना सुंदर नज़ारा है। नहीं नहीं बस वही छत तो अंकल आज भी पूरी मजबूत है इसकी। बहुत कमाल की बात है ये। अब तो मशीन भी लगातार चढ़ाएगी। और उस टाइम देखिए इंसान ही किस तरीके से चढ़ाते थे ऊपर। थोड़ा सा अंकल जी बताइए जरा इस हवेली के बारे में प्लीज, थोड़ा सा बताइए। राजस्थान की है जी, हल्दिया नाम की व्यक्ति की। किसकी? हल्दिया नाम की। अच्छा तो वो यहाँ पर हर साल आते थे नहाने के लिए? आते थे पहले। अच्छा नहाने के लिए आ गए, बनवाए गए संपत्ति, अब कुछ नहीं है वहाँ का। अच्छा अच्छा सब बर्बाद हो गया उनका, सब बर्बाद हो गया। मतलब वो सिर्फ पहले नहाने के लिए यहाँ पर आया करते थे। अच्छा बहुत पुरानी है, 250-300 वर्ष की लिखाई हो रही है नहाने वालों की। अच्छा इसके अंदर लिखाई भी हो रही है, नहाने आया वो लिख के चला गया। अच्छा अच्छा यहाँ पे बात देखी होगी ना वहाँ तुमने चित्र जो काट रहे थे। हाँ तो लिखाई हो रही है, दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा चलिए। कोई नहाने आया है 1844 को संबत बोले तो विक्रमी संबत, जैसे 2074-75 चल रही है। हाँ 1844 को आया है यहाँ पर नहाने के लिए। 1844 में 1933 को आया है। अच्छा 1933 संबत 33। अच्छा 1947 को भी कोई यहाँ पर नहाने आया, और जो लोग होते थे वो यहाँ पर अपने नाम वगैरह और डेट लिख जाते थे। हाँ लिख गया है कोई 1937 को नहाने आया है कोई। अच्छा क्या नाम था उनका थोड़ा अंकल जी बताइए पढ़ के। शीतलमल पंडित गंगा स्नान करने आया। अच्छा और क्या लिखा है आगे अपनी भाषा में लिखा है? आए और ये लिख के किससे जाते होंगे अंकल जी? ऐसे स्याही है। अच्छा स्याही होती थी। अच्छा अच्छा जयपुर से आया है वो। अच्छा जयपुर से आए हैं, क्या नाम क्या अंकल जी? चूड़ामणि तालेम एल्म जरगवा जी, जरगवा का है कोई। अच्छा जरगवा 1951 है, सन 1951 में आया है कोई। सन 1951 में आया है, 125 वर्ष पहले। अच्छा 1951 51 है ना, 125 वर्ष हो गए। हाँ 125। ये तो इसी रंग है, ये पहले बने हुए जी, रंग मिलते नहीं। ये अंकल ये किस तरीके, मतलब देखिए कितनी साल पुरानी। ये रंग नहीं मिलते, ये रंग नहीं मिलते। तो ये अपने साथ ही लेके आते होंगे उस टाइम? नहीं तो बनाए बने हुए पहले ही। अच्छा पहले ही बने हुए हैं, जब ये बनी हुई है पहले बनी। अच्छा ये चित्रकारी सब उसी टाइम की है, क्या बात है दोस्तों। ये एक मंदिर अंकल जी यहाँ पर भी लिखा हुआ है कुछ, यहाँ पर तो बहुत सारा उसमें लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा पढ़ेंगे आप? गंगा स्नान को आए आया महंत मोहन नारायण जी। एक लाइन है, श्रीमान राम छोटा मित्र राम गोपाल गोत्र गोठवाल प्रधानवासी राजगढ़ मित्र है, जी का बेटा प्रीति नलारू आए कोई वाह अपनी भाषा के कारण संबत 1916। अरे वाह 1916 संबत 1916 ये 150 वर्ष हो गए। हाँ अब रुकती ही नहीं अंकल जी। और देखिए आज भी वो मतलब जो पहले की
कलाकारियाँ थी जो बनाया उन लोगों ने, आज भी सही सलामत है। ये अंकल जी पहले एक तरीके का मंदिर था शायद ना, मंदिर था। किसकी मूर्ति रखी थी यहाँ पे? राधा कृष्ण की। राधा कृष्ण की मूर्ति थी। खंडित हो गई यहाँ जो है, इधर से चल जाते हैं लोग। अभी यहाँ में इतनी मोटी साकर है। हाँ हाँ, अभी 15 दिन पहले तोड़ी है, ईंटों से तोड़ दी इतनी मोटी साकर। बाहर से? अंदर से। अंदर से तोड़ दी? अंदर से, ऊपर से पूरी तरह से आ जाते हैं ना। अच्छा, यहाँ में अच्छा राधा कृष्ण की यहाँ पर मूर्ति रखी हुई, और देख सकते हैं बिल्कुल जब सामने। लेकिन कुछ लोगों ने मूर्तियाँ खंडित कर दी, इस वजह से वो मूर्ति यहाँ से हटा ली गई। और दोस्तों ये बड़ी ही अद्भुत कारीगरी है, आप देख सकते हो पूरी हवेली कितने बढ़िया। बीच में एक कौन सा पेड़ है अंकल जी, बीच में बिल्कुल। और दोस्तों ये है शंकर भगवान का मंदिर, जो इनके जो यहाँ पर इस हवेली की देखभाल करते हैं उन्होंने ये बनवाई थी। शंकर भगवान हैं, ये नंदी बैठे हैं। और दोस्तों ये जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं ना, ये उसी टाइम की मूर्तियाँ हैं, ये उसी टाइम की मूर्तियाँ हैं जब ये हवेली बनी थी, उसी टाइम की ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं इनकी नक्काशी कितनी अद्भुत ये मूर्तियाँ हैं। ये देखिए आप, ये उसी टाइम की मूर्ति हैं। ये शंकर भगवान हैं और माता पार्वती बैठी हुई हैं। ये देखिए क्या अद्भुत मूर्तियाँ बनी हुई हैं उस टाइम की, बहुत बढ़िया। और ये वो हवेली थी जो अभी मैं आपको दिखा के लाया हूँ, अंदर से कृष्ण भगवान के सामने। तो यहाँ पर आते थे वो, कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। नमस्कार दोस्तों, मैंने सारी आपको हवेली अंदर से दिखा दी, या महल कह लें या कुछ भी कह लें। एक कृष्ण भगवान का अंदर मंदिर भी था। एक्चुअली मैं जो यहाँ के केयर टेकर हैं, जो इस हवेली की देखभाल करते हैं, उनसे हमने बहुत विनती करी और उनको हमने बोला कई बार, तब जाके उन्होंने हमें ये परमिशन दी थी इस हवेली को देखने की। तो दोस्तों ये जो हवेली बनी है तकरीबन 300-400 साल पहले की हवेली है, और इसके अंदर बहुत प्राचीन मूर्तियाँ थीं जो आप अंदर बता रहे थे केयर टेकर यहाँ पे, क्या नाम था उनका? चिंतामणि जी, जो इसकी देखभाल करते हैं। वो सारी मूर्तियाँ उनके घर में हैं, उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं, वो देखभाल करते हैं। कृष्ण भगवान की बड़ी ही अद्भुत मूर्तियाँ थीं जो कि चिंतामणि जी के घर पे हैं। दोस्तों मेरा बस एक ही अनुरोध है कि अगर ये आगे बात पहुँचाई जाए तो शायद इस हवेली को दोबारा से बनने में थोड़ा सा सहयोग आपको मिलेगा। और बहुत प्राचीन ये जगह है, और गंगा जी के जस्ट सामने ये हवेली बनी हुई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल गंगा मैया बिल्कुल सामने हैं। पूरा घाट जहाँ पर जो लोग आते थे सामने स्नान करते थे, और जब रात को रुकने का उनको होता था तो वो इसी हवेली के अंदर रुका करते थे, आप देख सकते हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि ये, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये राजस्थान के स्टेटों ने बनवाई थी, मतलब राजाओं ने बनवाई थी उस टाइम। और मैं कहूँगा मूर्तियाँ धातु की थी कभी, वो शायद मूर्तियाँ धातु की थी जो अब चिंतामणि जी के पास हैं। और ये जगह मैं आपको बताऊँ, ये जगह है रामघाट नरोड़ा के पास, ये जगह है। और सीधा नरोड़ा से आप बस भी पकड़ सकते हैं, या कोई अगर दिल्ली से आना चाहता है तो बड़ी ही आसानी से वो यहाँ तक आ सकता है। लेकिन शायद मुझे परमिशन मिल गई, शायद आपको परमिशन थोड़ी सी अगर आप कोशिश करेंगे तो मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय श्री राधे।